So I'm here with the veteran actor Rakesh Bedi, who I personally remember the most from Shrimaan Shrimati. And he's in Delhi and he's going to be performing in a play which he's written also. So over to him. Hi, I didn't get your name. Kabir. Hi, Kabir. As you said, I'm performing my play Jab We Separated here in Kamani today. There are two shows. And tell us about, moving on from the play to Shrimaan Shrimati, something which people remember you a lot over Dilruba. Yeah. Some incidents or memories from that show. Well, when the writer wrote the script and I got to read it, so the writer's and the director's note for my character was that he's henpecked, and that's all about it. So I thought ki henpecked to bahut hi common cheez hai, henpecked to bahut logon ne kiya hai, isko main aisa kaise karun taki ye thoda sa yaadgar bane और याद रहे लोगों को देर तक. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं. तो इत्तफाक की बात है, हम जैसे कल उसका पहला एपिसोड करने वाले थे कल, तो आज शाम को मुझे और मेरी वाइफ को इनविटेशन था एक हीरोइन की शादी का. अच्छा. ओके. वो हीरोइन की शादी हो रही थी और मैं वहाँ इनवाइटेड था. मैं वहाँ शादी पे गया और जैसे लोग खड़े होते हैं लाइन में, हाथ में बुके लेकर या गिफ्ट लेकर, जो भी मेरे हाथ में था मुझे याद नहीं है, बहुत साल हो गए. तो मैं लाइन में खड़ा था, मैंने देखा कि जो हीरोइन का हस्बैंड जो खड़ा है स्टेज के ऊपर, जिसकी शादी हो रही है, वो ऐसा ही है जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ. वो ऐसे ही बात कर रहा था, या बेबी ऐसे ही बात कर रहा था. मैंने कहा यार ये तो कमाल की चीज़ है, ये तो इत्तफाक है कि कल मुझे इसकी शूटिंग करनी है और मैं ढूंढ रहा था कि मैं इसको कैसे पोर्ट्रे करूं, क्या करूं. मुझे ये मिल गया, मुझे इसका मैनरिज्म भी देखा मैंने. तो उसके बाद जब मैंने उसको गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट देने के बाद मैं स्टेज पे आके नीचे खड़ा हो गया और स्टेज की तरफ देखने लगा. तो मेरी वाइफ आई, उसने कहा आप क्या कर रहे हैं यार, हो गया ना, गिफ्ट दे दिया, आप चलिए खाना वाना खाते हैं और चलते हैं. मैंने कहा तुम खाना खाओ, मुझे ज़रा आधा घंटा दे दो, आई वॉन्ट टू यू नो हैव स्टडी है. तो मैंने आधा घंटा उस आदमी को स्टडी किया, कोशिश करके जो भी मैं कर सकता था, और मैंने काफ़ी हद तक उसको इम्पर्सनेट किया और फिर अपना भी मैंने डाला उसके अंदर. ऑफकोर्स एक्टर अपना डालता ही है, लेकिन मुझे बेस मिल गया उस कैरेक्टर का उस दिन शाम को उस एक्टर से, उस कैरेक्टर से. तो बस ये उसका बिगनिंग था. और बाकी तो फिर हमने बहुत सारे एपिसोड किए, आई थिंक मुझे याद भी नहीं कितने किए. 4 साल चला वो सीरियल और बेहद पॉपुलर था. और मुझे तो अभी ऐसा लगता है, आपकी जैसे आपने अभी कहा, अभी मैं कहीं और इंटरव्यू दे रहा था उन लोगों ने भी, मुझे ऐसा अब लगता है मुझे कि अब ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जितना पहले था. Because of YouTube and other media, you know, where you can retrieve it and see at your will, right, whatever episode you want to see. Right. तो पहले तो ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि टीवी पे आ गया, जिसने देखा देखा, नहीं देखा मिस हो गया. लेकिन नाउ दीज थिंग्स आर फॉर पोस्टेरिटी, राइट, यू नो, फॉर एटर्निटी. तो जो लोग मोहब्बत करते हैं इन चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से, उनके लिए चीज़ें हमेशा के लिए हैं. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि फिर से लोगों ने रिवाइव किया और मुझे लग रहा है ऐसा जेन्युइनली कि अब ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है. ऑल्सो योर फर्स्ट फिल्म आई थिंक वॉज इन 79 हमारे तुम्हारे विद संजीव कुमार. यू ऑल्सो वर्कड विद राज कपूर इन राम तेरी गंगा मैली. सो वॉट वर योर फर्स्ट और इंटरेक्शंस विद दीज टू लेजेंड्स? वेल, संजीव कुमार, आई रिमेंबर हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स एंड ह्यूमन बींग्स आई हैव मेट इन माई लाइफ. आई रिगार्ड हिम मोस्ट एंड फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. मुझे ऐसा लगता है कि उतना अच्छा, उतना नेचुरल एक्टर मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं. और उनकी जो ग्रेटनेस थी वो ये नहीं थी कि वो कमाल के एक्टर थे, वो तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी ग्रेटनेस का बोझ लेकर नहीं चलते थे अपने कंधे पे, लोगों को इम्प्रेस करें, देखिए मैं कितना ग्रेट एक्टर हूँ, या किसी बहुत बड़ी प्रिपरेशन में घुस जाएँ शॉर्ट से पहले, या किसी एक मोल्ड में घुस जाएँ कि देखो जी मैं अभी रोल में मैं तैयारी कर रहा हूँ. वो स्पर ऑफ द हैट पे, वो ड्रॉप ऑफ द हैट पे, स्पर ऑफ द मोमेंट पे रेडी होकर शॉट देकर शॉट से यूँ बाहर निकलते थे, यूँ अंदर घुसते थे. और जैसे आपने बताया, मेरी पहली फिल्म हमारे तुम्हारे उनके साथ थी, मेरे फादर का रोल किया उन्होंने, और मुझसे इतना प्यार करते थे वो
कि जिसकी इंतहा नहीं है. आई डोंट नो व्हाट व्हाई ही लव्ड मी सो मच. या तो मेरा काम पसंद आया उनको या मेरा एटीट्यूड काम के बारे में. माय फर्स्ट फिल्म. और मुझे अभी भी याद है एक छोटा सा इंसिडेंट है कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे बॉम्बे से बाहर लोनावला खंडाला में, और जहाँ पर लास्ट डे शूटिंग का था तो उनका पैकअप हो गया तकरीबन 11-12 बजे सुबह, और मेरा शाम को होना था 4-5 बजे. तो वहाँ से प्रोड्यूसर ने मुझे तो बस की टिकट दे दी, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, कि भाई ये बस की टिकट है, तुम इसमें बैठो और बॉम्बे चले जाओ. तो इनको पता चला, संजीव कुमार साहब को, हरी भाई बोलते थे उनको, तो बोले तुम्हारा पैकअप कितने बजे है? मैंने कहा सर मेरा तो शाम को है 3-4 बजे. बोला अच्छा मेरा तो 10-11 बजे हो जाएगा. तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर आप निकलिए, आप चले जाइए. तो उनके पास मर्सिडीज थी उस ज़माने में. तो मैं पैकअप वैकअप हो गया, मैंने अपना पैकअप किया, मैं अपने रूम में आया, मेकअप उतारा, तो मैंने देखा उनकी गाड़ी सामने खड़ी है. तो मैंने कहा उनके आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा सर गई नहीं क्या? बोले नहीं. मैंने कहा उनका पैकअप तो सुबह 10-11 बजे हो गया था. बोला हो गया था, लेकिन आपकी वेट कर रहे हैं. ओ, मैंने कहा मेरी वेट क्यों कर रहे हैं? बोलो आपको लेके जाएंगे साथ में. तो वो मतलब आप ये देखिए कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरी वेट करते रहे मुझे अपने साथ लेके जाने के लिए, जबकि मैं बिल्कुल नया था. एंड आई वॉज सो मूव्ड. और फिर ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बॉम्बे जाके मुझे उतार दिया, वो गाड़ी उनके घर पे गई, वो खुद उतरे और ड्राइवर को बोले कि सर को उनके घर पे छोड़ के आओ. यू नो, तो दिस इज अ वेरी फॉर अ न्यू कमर, दिस इज अ वेरी बिग बिग थिंग. यू नो, एट दैट टाइम याद ये बातें याद आ जाती हैं कि भाई बड़ा स्टार आपके साथ ऐसे बिहेव करता है. तो और एक्टर भी बहुत कमाल के थे, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ कि विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिटेंशंस, एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बैगेज, एनी काइंड ऑफ शो ऑफ दैट आई एम अ ग्रेट एक्टर, ही यूज्ड टू डिलीवर. राइट. एंड व्हाट अबाउट राज कपूर? राज कपूर तो सर, राज साहब बहुत लीजेंड थे. उनके साथ मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था उस पिक्चर में, लेकिन मैं तो उनको देखता रहता था बस, और बहुत सीखा मैंने उनसे. वो जब बातें करते थे मैं बैठ जाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो भी ये बोल रहे हैं वो एक ज्ञान है. यू नो, वो एक उस स्टेज पे जब मैं नया ही था तकरीबन, तो मुझे उनकी हर बात को इम्बाइब करना चाहिए. और बहुत सारी बातें मुझे अभी भी याद है कि उससे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मैं FTII में था, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में, तो राज कपूर साहब हमारी एक क्लास लेने के लिए आए थे, और क्लास ली और फिर रात को उन्होंने हमारी पूरी क्लास को अपने फार्म हाउस पे खाने के लिए बुलाया. और आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि उन्होंने उस दिन मेरी क्लास में और उस रात को अपने बंगले पे जो जो कहा अबाउट एक्टिंग, अबाउट एक्टर्स, अबाउट प्रिपरेशन, अबाउट ऑनेस्टी ऑफ एन एक्टर, अबाउट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, अबाउट कैरेक्टराइजेशन, मैंने सब लिख लिया. और मेरे पास आज भी लिखा हुआ है. यू स्टिल हैव दोस नोट्स? हाँ, आई स्टिल हैव दोस नोट्स. एक कॉपी में वो नोट्स हैं, और मैं कभी कभी ना उस डायरी को खोलता हूँ. यू नो, ऐसे कई लोगों के नोट्स हैं मेरे पास, तो मैं वो नोट्स को खोलता हूँ. मुझे लगता है कि वो एक ज्ञान गंगा है. यू नो, अगर आप उसमें से कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ मोती ढूंढ सकते हैं, तो दैट्स द वे आई लुक एट इट. आई डोंट नो, बिकॉज पीपल हैव अचीव्ड सो मच एंड दे हैव सो मच ऑफ नॉलेज. और अगर आपको उनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए. Last question, because I know you have to rush for your play right now. Yeah. Comment on this, because we keep hearing it. Theater doesn't pay. Yeah, theater doesn't pay much. But it started paying now. Okay. A little bit. लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई उससे आपकी बिल्डिंगें बन रही हैं और फ्लैट बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. पर घर के खर्चे चल रहे हैं उतना ही बहुत है. Okay. थिएटर से ख़ास तौर पर, इसीलिए लोग थिएटर की रिहर्सलें शाम को करते हैं, दिन में अपने काम वाम करते हैं, बाकी जो भी करने होते हैं, ताकि बाकी काम में डिस्टर्बेंस ना हो. लेकिन हाँ, अभी मुझे बहुत खुशी है इस बात की. मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में थिएटर बहुत साल से कर रहा हूँ. 40 साल मैं FTII जाने से पहले भी मैंने दिल्ली में थिएटर किया, उसके बाद भी किया, और अब भी कर रहा हूँ. लेकिन पिछले 8-10 सालों में दिल्ली में थिएटर लवर्स में बहुत चेंज आया है.
अभी ऐसा हो गया है कि आज जैसे हमारा यहाँ शो है और हमारी आज जो टिकट्स हैं 700 रुपये से शुरू होती हैं 2000 तक जाती हैं और हाउसफुल है और सब बिक चुकी हैं, तो लोग आज की डेट में अगर आप कुछ अच्छा दे रहे हैं they are willing to see it right. लेकिन आपके पास अच्छा कुछ देने के लिए होना चाहिए. तो वो अगर आपका एंटरटेनिंग कुछ एक है, कुछ आपके बात पे दम है, कुछ एक पुख्ता चीज़ अगर आप कुछ लेकर आए हैं तो थिएटर लवर्स आर लैपिंग यू अप. राइट. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव यू बिकॉज यू गॉट टू गेट रेडी फॉर द प्ले. ऑल द बेस्ट फॉर इट. ऑल द एंड थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस. Thank you. Thank you.